साइबर पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले तीन साथी चोरों को किया गिरफ्तार, जिसमें से वरुण मंडल उम्र 19 वर्ष, बबलू मंडल 28 वर्ष, दोनों के पिता लक्ष्मण मंडल तथा वासुदेव मंडल उम्र 31 वर्ष। पिता नारायण मंडल को करमाटांड थाना क्षेत्र से सुंदर जोड़ी गांव से गिरफ्तार किया गया है तथा एक अपराधी सीताराम मंडल उर्फ राजकुमार मंडल भागने में सफल रहा। पकड़े गए अपराधियों के पास पुलिस ने 4 मोबाइल सेट, 9 सिम कार्ड तथा एक स्कॉर्पियो 4 पहिया गाड़ी जिसका नंबर है JH21P2106 बरामद किया है। SP दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पूर्व से साइबर अपराध कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जामताड़ा पुलिस एक अभियान के तहत जिले में कार्य कर रही है और प्रत्येक दिन विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को पकड़ने का कार्य कर रही है। कि करमाटांड थाना के सुंदर जोड़ी गांव में कुछ लोग जो है वो बैठ करके और साइबर क्राइम कर रहे हैं। इसी के इंफॉर्मेशन पर साइबर थाने से एक टीम का गठन किया गया तुरंत, माने ऑलरेडी टीम बनी हुई है प्रत्येक दिन के लिए। वो टीम वहां गई और जाने के बाद में जिस जगह की सूचना थी वहां पे उन लोगों ने रेड मारा। रेड करने के बाद में वहाँ 3 व्यक्ति उस समय पकड़ाए और एक व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल रहा। टोटल पकड़ाए हुए व्यक्ति में से जो बरामदगी है उसमें से 4 मोबाइल सेट है 4 आदमी का, 9 सिम है उसमें, टोटल 9 सिम है और एक 4 व्हीलर है, स्कॉर्पियो है। और यही है, टोटल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो सब भागे हैं वो कौन थे सर? जो भागा है वो व्यक्ति, उसका नाम सीताराम मंडल उर्फ रामकुमार मंडल उर्फ राजकुमार मंडल है। वो उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पुराना इतिहास है उसका। वो यहाँ के केस में भी है, दूसरे स्टेट के केस में भी है, बहुत सारा उसका प्रीवियस हिस्ट्री भी है। तो बाकी का और भी इन लोगों का क्या इतिहास है उसके बारे में खंगाला जा रहा है। प्रीवियस इन लोगों का पहले का क्या रहा है उसके बारे में सर्च किया जा रहा है। मोडस ऑपरेंडाई था, वो बैंक मैनेजर या बैंक का कोई स्टाफ बन करके आपके खाते को अपडेट कराने के लिए, आपके ATM को अपडेट कराने के लिए, आपको KYC को अपडेट कराने के नाम पर बैंक का अधिकारी या ATM का अधिकारी बता करके और सूचना संग्रहण करता था और उसके आधार पर ये धीरे धीरे ये उनका जो ये पर्पस था वो कॉमन हो गया और लोगों के नॉलेज में आ जाने के बाद में इस चीज़ से अभी वो डाइवर्ट हो गए। फिलहाल ये लोग अभी बैंक और बैंक मैनेजर का लगभग 1-2% किसी किसी मामले में होता है तो होता है, अदरवाइज अब ये लोग ऐप बेस्ड फ्रॉडिज्म कर रहे हैं। वो कुछ सर्टेन ऐप्स का प्रयोग करते हैं और उस ऐप के माध्यम से अपने शिकार को फंसाते हैं और उसमें से उसके आधार पर उसका जो सारा इंफॉर्मेशन है वो लीक आउट हो जाता है। सारे इंफॉर्मेशन को अपने मोबाइल में और अपने ऐप के माध्यम में वो कैच कर लेते हैं और उसके आधार पर उनका जो अकाउंट में पैसा रहता है वो उसको निकाल लेते हैं। फिलहाल इसके अलावे अभी किसी दूसरे टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ जितने भी लोग ये जो जामताड़ा बेस्ड जो साइबर क्रिमिनल्स हैं अभी दूसरे टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐप्स के लेकर लोगों को क्या जागरूक? देखिए, ऐप्स के को लेकर के लोगों को हम लोग ये बताते रहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति, एक बात स्पष्ट है कि ऑनलाइन में कोई, जैसे पूछा जाता है कोई भी ऑनलाइन में अगर चीज़ रजिस्ट्रेशन कराना है उसके लिए कहीं भी कोई रकम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देर इज़ नो नीड ऑफ एनी कॉस्ट, तो किसी भी कॉस्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑनलाइन में कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपका KYC को अपडेट कराना है या आपको किसी कंपनी में रजिस्टर्ड कराना है, आप 10 रुपये का ड्राफ्ट भेजिए या 10 रुपया भेजिए या 20 रुपया भेजिए या 50 रुपया भेजिए, जो आप रकम भेजते हैं वो किसी ऐप के माध्यम से, बाद में वो आपको कोई ऐप से जोड़ता है,
और इसी के आधार पर आपका अकाउंट उसके अकाउंट के साथ में मैच कर जाता है, माने आपके अकाउंट को वो ऑलरेडी देख लेता है जो उसका ऐप, और इसी के माध्यम से वो जो फ्रॉड है वो हो पाता है। तो मेरा लोगों से ये अनुरोध होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल पे आपको ये कहता है कि आपका अपडेट कराने के लिए किसी रकम की आवश्यकता है, आप उनकी बातों में नहीं आवें। दूसरा है क्या कि कभी कभी ऑनलाइन कोई लिंक भेज देता है और उस लिंक को क्लिक करने के लिए कहा जाता है कि आप इस लिंक को क्लिक करके और इसका मेंबर बन जाइए या ऑनलाइन कोई सामान मंगाइए, ये इस चीज़ इस सामान में या प्रतिदिन आप बैठे 500 से 5 लाख रुपया तक, 5000 से 1 लाख रुपया तक प्रतिदिन घर बैठे कमाइए, है ना। इस तरह के कुछ फर्जी लिंक्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे और अगर आप उसके सदस्य बनना चाहते हैं तो उस लिंक को आप टच कीजिए। आप लिंक को ऐसे लो जो उससे वाकिफ नहीं है, जो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मेरा आम जनता से ये अनुरोध रहेगा कि वैसे फर्जी लिंक को आप कभी टच ना करें। ऐसा करने से ये होगा कि ऐप के माध्यम से आपके आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो आपके मोबाइल में है, जो आपके ये बैंक अकाउंट्स में है, वो फ़ोन करने वाले के मोबाइल में और उसके इंटरनेट के माध्यम से उसके लैपटॉप पे चला जाएगा और आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ऐसे फर्जी लिंक पे आप भरोसा ना करें, फर्जी लिंक को कभी आप टच ना करें। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए, किसी अपडेशन के लिए अगर पैसे की ऑनलाइन पैसा का डिमांड करता है उसको पेमेंट करने के लिए, वो कभी